हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अदिति है और आप देख रहे हो अदितिस किचन। आज मैं बना रही हूँ पनीर मखनी, जो कि बच्चों की सबसे फेवरेट डिश होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं, इसे कैसे बनाते हैं। सबसे पहले पैन में थोड़ा सा पानी लेंगे, चॉप टोमेटो लेंगे, मैंने ये चार लिए हैं, और आधा मैंने प्याज काट के डाला है, 8 से 10 लहसुन लिए हैं, 1 इंच अदरक ली है, 1 तेज़पत्ता, 4 इलायची, 1 बड़ी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 4 लौंग, हरी मिर्च, 1 चम्मच लाल मिर्च, बटर क्यूब्स और मुट्ठी भर काजू, नमक थोड़ा सा, और इसे अच्छे से चलाएंगे। हमें मिक्सचर को अच्छे से पकाना है। ये जब मिक्स हो जाएगा तो इसको थोड़ी देर हम ढक देंगे पकने के लिए, ताकि टमाटर अच्छे से मैश हो जाए। ये देखिए 10 मिनट तक हमने पकाया, देखिए टमाटर बिल्कुल मैश हो गए हैं। ये देखिए अच्छे से मैश हो गए हैं, और अब मैं इसमें से तेज़पत्ता निकाल दूंगी। ये देखिए मैंने निकाल दिया है, और दालचीनी भी निकाल दूंगी। कहाँ है, कहाँ गई, कहाँ गई, कहाँ गई, ये रही, ये दालचीनी, बड़ी इलायची, ये सब मैं निकाल दूंगी, क्योंकि इसके जितने फ्लेवर आने थे आ गए। चलिए अब इस मिक्सचर को हम पीस लेते हैं। ये मैंने एक जार में सारा मिक्सचर डाल दूंगी और इसे पीस दूंगी। मैंने गरम ही पीस लिया है, आप चाहें तो ठंडा भी पीस सकते हैं। मिक्सचर को ठंडा करिए फिर पीस लीजिए। ये देखिए मैंने मिक्सी चला दी है, अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। ये देखिए अब मैं एक पैन में बटर डालूंगी और चॉप्ड अदरक डालूंगी, मिर्ची डालूंगी, और ये थोड़ा सा मैं लाल मिर्च पाउडर डालूंगी, मिक्स करूंगी इसे, इसे कलर बहुत अच्छा आता है। फिर मैं सारा मिक्सचर इसमें डाल दूंगी पकने के लिए। ये देखिए अब इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल के और डाल दिया है, क्योंकि मैं वेस्ट नहीं करती कोई भी मिक्सचर, आप भी नहीं करना। इसे अच्छे से मिलाएं। इसके ऊपर मैंने ये फ्रेश क्रीम डाली है, जो कि मैं घर में ही बनाती हूँ। ये मैंने कसूरी मेथी डाली, इसे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अब मैं इसको चलाऊंगी अच्छे से, और इसको लगभग मैं 10 मिनट तक और पकाऊंगी, और इसको मैं ढकूंगी नहीं, ऐसे ही पकने दूंगी। आप चाहें तो इसमें चीनी डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाला है, चीनी स्किप कर दी है मैंने। ये देखिए बढ़िया सा तैयार हो गया। अब मैं इसमें क्यूब्स डालूंगी पनीर के, ये देखिए मैं डाल ली हूँ। इसको अच्छे से डालेंगे, नहीं तो चींटी आपके ऊपर आ जाएगी। धीरे धीरे डालें। अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए मैं धीमे से कर रही हूँ, क्योंकि पनीर जो होता है वो जल्दी टूट जाता है। इसे ऐसे ही बस मिला देंगे और इसे पकने देंगे 5 मिनट के लिए। ये देखिए तैयार है हमारी पनीर मखनी। अब मैं इसके ऊपर थोड़ी सी फ्रेश मिलाई डाल के इसे गार्निश करूंगी। वाओ, अच्छी लग रही है ना? आपको अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरा चैनल को। थैंक यू एंड बाय बाय।